धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, और विशेष करके मैं आज कहूँगा, संबोधन दूंगा मानव कहलाने वालों, और मानव कहलाने वालों मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हर कोई मानव कहला करके राजी नहीं। आज इन मजहबी दुकानदारों ने मानव कहलाने से रोक रहे हैं, और मजहबी दुकानदारों ने कोई किसी को हिंदू कहा, कोई किसी को मुसलमान कहा, कोई किसी को ईसाई कहा, कोई किसी को जैनी बौद्धी आदि 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 बोला। मानव कहला करके राजी नहीं। अभी सुबह एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया कि हमारे संजीव आर्य जी एक ईसाई से बात कर रहे थे, और वो ईसाई से कहा उन्होंने कि जब हम धरती पर आए तो क्या बन करके आए थे, ईसाई बन करके आए थे, उसने मना किया। तो मैं भी आप लोगों को आज एक अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि आज धरती पर ये मजहबी दुकानदारों ने हमारी इस मानवता पर कुठाराघात किया है, और मानव कहलाने के लिए ये राजी नहीं, मानव कहलाकर राजी नहीं, औरों से कहलवाना राजी नहीं, ये कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई कुछ कहलवाना चाहते हैं। मेरे पास भी एक फ़ोन आया था, ये मिस्टर असलम है जो लखनऊ के रहने वाले हैं, मेरे पास फ़ोन आया था उनका 11:41 पर आज ये सुबह, आज 5/11/5 नवंबर 2020। लेकिन मैं उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया, मैं किसी और फ़ोन में व्यस्त था। तो इतने में उन्होंने हमारे मित्र पहलवान धर्मवीर जी को मिलाया, और धर्मवीर जी का नंबर जग जाहिर हो गया है, मैंने उजागर कर दिया हूँ। तो धर्मवीर जी को उन्होंने मिलाया दिल्ली में। धर्मवीर जी से उनसे बात हुई, उनसे क्या बात हुई वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में यही खूबी है कि हम अपने कमी को भी कमी ही कहते हैं, अपने कमी को हम छुपाते नहीं। जैसा छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, और उसमें आएगा ये वक्तव्य भी, वहाँ पा जाएंगे आप, डॉक्टर असलम साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चांद का टुकड़ा हुआ, तो चांद का टुकड़ा हुआ यहाँ पर भी बाल समय रवि भक्ष लियो बोला गया, हनुमान जी सूरज निकल गए, लेकिन हम वैदिक धर्मी सूरज का निगल जाना भी मना करते हैं कि वो भी झूठ है, और चांद का टुकड़ा हो जाना भी झूठ ही है, क्योंकि ये सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, प्रकृति के नियम विरुद्ध बातें हैं। और यही खूबी हम लोगों में है कि जो सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, जो प्रकृति नियम विरुद्ध बातें हैं, हम उसको मना करते हैं, हम उसको रोकते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इस्लाम वालों में ये कमी है कि वो अपने कमी को ही सही कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुशफिक सुल्तान के साथ मेरा हुआ, वो चांद का टुकड़ा होना सही मान रहा है और सूरज का निकल जाना कहीं गलत मान रहा है। भाई तेरे पास हो झूठ वो सही होगा, और हमारे पास झूठ होगा तो वो झूठ रहेगा। क्यों? झूठ जब दोनों जगह है तो दोनों जगह झूठ कहना चाहिए, पर इन लोगों को झूठ कहने की आदत नहीं है, और मैं इसी चेष्टा में लगा हूँ कि कम से कम लोग सत्य को सत्य कहें और गलत को गलत कहें। इसलिए मैंने बोला खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कज़र, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उससे बाज आना, ये इंसानियत है। इंसानियत भी यही है, सत को ग्रहण करना और असत को छोड़ देना। अब ये डॉक्टर असलम साहब और धर्मवीर जी में क्या क्या बात हो रही है ज़रा उसमें सुनिए, और उसमें भी कहाँ कहाँ गलत हो रहा है उसको भी मैं सुधारता जाऊँगा। आप लोग उन दोनों की वार्ता सुनिए। बंधु, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि उस वार्ता में आप ये भी सुनेंगे कि अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला हैदराबाद में, उसके ऊपर मैं कल वीडियो बना करके दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। उसी पर ही चर्चा हुई, और धर्मवीर जी ने भी बोला था उसी पर ही।
अब यहाँ इन लोगों को ये मालूम नहीं, वो कह रहा है ये सच हो सकता है, अब ये सच हो सकता है, और वो कह रहा है कि हुजूर हज़रत मोहम्मद साहब आए, मेरे सर में हाथ रखे, उनकी आत्मा, अब ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर पता नहीं कैसा डॉक्टर है, हथौड़ा मार डॉक्टर होगा, इस अकल के दुश्मनी किस तरीके से किया है देखिएगा, ये अकल के बिल्कुल दुश्मन है, इन्हें पता नहीं है, आत्मा को शरीर धारण करना पड़ेगा, आत्मा अगर शरीर धारण नहीं किया तो उस आत्मा का कहीं से कहीं जाना संभव नहीं होगा, लेकिन अकल के दुश्मनों को, इन झूठे और मक्कारों को इसका आता पता कुछ भी नहीं है, और झूठ मूठ डॉक्टर बने बन रहे, और ये डॉक्टर वो मुन्ना भाई भी वैसे ही है, जो MBBS मुन्ना भाई है राकिन नाइक, इन अकल के दुश्मनों को ये पता नहीं है कि रूह को एक जगह से और जगह जाने के लिए शरीरधारी करना पड़ेगा, और बिना शरीरधारी हुए, शरीर को धारण किए बगैर एक रूह का दूसरी जगह प्रस्थान करना संभव नहीं है, इतनी सी अकल इन लोगों को नहीं, और ये अपने को पढ़े लिखे मानते हैं, और इसका प्रमाण, इसका हवाला मैं आज कुरान से ही प्रस्तुत करूँगा कि कहाँ कहाँ कुरान में झूठ बोला गया है, कुरान में अज्ञानता की बात कहाँ कहाँ है, उसी अज्ञानता को मैं उजागर करूँगा, और असलम, ये डॉक्टर असलम को भी सुनिए धर्मवीर जी से बात। हेलो, ओम, कौन तलवा जी बोल रहे हैं जी? फोन मिलाया था डॉक्टर साहब आपने? हाँ हाँ, डॉक्टर असलम बोल रहे हैं जी। जी कैसे हैं ब्राता जी? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र है, परमात्मा की दया और बनी रहे आप पर। चलिए धन्यवाद जी। फोन किया था आपने? हाँ फोन किया था मैंने अभी जी। अच्छा, कुछ सवाल हमारे हैं, आप जवाब देंगे? क्या सवाल है, मैं तो आपको बताया था जवाल सवाल इस तरह फोन पे कब तक देते रहेंगे, मैंने तो कहा था कि एक प्रोग्राम बना लीजिए, आजकल मीडिया का टाइम है, सच्चाई सबको सबको जानने का अधिकार है, कि आमने सामने जो आपके सवाल हैं, जो हमारे सवाल हैं, सब आमने सामने हो जाएं, सबको पता चले सही क्या गलत क्या, और हम सब उस पालन करें, सत्य अच्छाई को अपनाए और बुराई को छोड़े, यानी कि सत्य को अपनाए बुराई को छोड़े। सही है, सही है। हम आप सवाल करेंगे, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे, तो ये चलता रहेगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये जवाब सवाब का सवाल ही पैक खराब हो जाए, कि हम सब मनुष्य एक जाति से हैं और एक ही धर्म है, वो धर्म है क्या, सही क्या, गलत क्या, जो सही है उसको अपनाए हम सब मानव मात्र की भलाई के लिए और बुराई को छोड़ दें। मेरे ख्याल में इससे बड़ा तो और कोई सवाल होना नहीं चाहिए जो मैंने आपको बताया है। नहीं नहीं, सही कह रहे हो आप, सही करो, लेकिन जो है अभी जैसे वो जब होगा तब होगा पहली चीज, तो उसके अलावा भी बात हो सकती है, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बात जैसे चिंता से बात तो करते रहो, कोई बात नहीं, वो तो बात करते रहो तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ हमारा मकसद होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, अगर बैठ करके डिसाइड कर लेंगे तो वो है कि वो 100% वो चीज सही नहीं हो सकती, ये भी है ना कि वो 10 लोगों का मत हो सकता है, जैसे 10 लोग आप आ गए, 10 लोग हम आ गए, आपस में बात डिस्कशन हो रहा है, तो वो जरूरी नहीं कि वो 10 लोगों की मानसिकता जो है ना कि 100% सही हो, या 20 लोगों की मानसिकता सही हो, उसके बाद भी बहुत चीजें बची रह जाती हैं, तो उस समय कौन क्या जवाब दे रहा है, उसके दिमाग में क्या आया, वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, उसने उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया कि नहीं किया, अगर कोई जवाब नहीं दे पा रहा इसका मतलब ये नहीं होता कि जवाब नहीं है, या कोई मतलब वो किसी भी साइड का हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस व्यक्ति की गलती है, या उस व्यक्ति के दिमाग की गलती है, या उसको एनालाइज ना कर पाना, उसको समझा ना पाना, या उसको तर्क ना दे पाना, वो उसकी गलती हो सकती है, वो धर्म की गलती नहीं हो सकती। तो धर्म पे आप एक डिबेट करके आमने सामने भी डिबेट हो, 100% उसको उससे कोई निष्कर्ष आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी सवाल बचे रह जाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने क्या बात की आप समझे नहीं हो? नहीं, समझ गया। मैंने कहा कि जो भी बोलेंगे आप जवाब देंगे, या जो आलिम जवाब देंगे, या बुद्धिजीवी जवाब देंगे, जो भी लोग जवाब देंगे, हम लोग तो सुनने वाले हैं, सही क्या गलत क्या, हम तो इसमें जो देखेंगे भाई ये सही कह रहा है गलत कह रहा, हमें लोगों को पता तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, तो ये बात क्यों नहीं सबके सामने आनी चाहिए कि सबको जानने का अधिकार है, जितना मुझे जानने का अधिकार है उसे उतना ही डॉक्टर असलम को जानने का अधिकार है, उतना ही एक गांव के बेचारे जो गरीब आदमी उसको जानने का अधिकार है, सबके सामने तो बात आनी चाहिए, सही क्या गलत क्या, इसका फैसला तो बाद में होगा। बिल्कुल है, तो ये विनती कर रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब, बीच में बोलता मुझे ठीक नहीं लगता आदमी, पहले बता दिया मैंने।
चूंकि आप बोलते हो तो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, तो भी बोलने का मौका दिया करिए ना। फिर मैं फोन काट दूंगा, समझ गए, फोन पहले रिकॉर्डिंग सुनिए मेरे, जब आप बोले हो मैं बिल्कुल चुप रहा हूँ। ठीक है बोलिए। आप बोले हो मेरे को चुप रहा हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ, ये ध्यान कर लेना मेरे से जिंदगी में बात करने पहले कि आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, मैं पूरी बात सुनूंगा उसके बाद जवाब दूंगा। ठीक। तो मैं यही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि देखिए कि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य का मतलब ही मनन करने वाला, तो यार क्यों हम इस चीज में फंसे, ये क्या वो क्या, जो सही हो वो हम सबको मानना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। खाली मैं बड़ा उससे कोई बड़ा नहीं हो जाता, खाली वो छोटा उससे कोई छोटा नहीं हो जाता। और कभी कोई बात हो सकता है कि कोई विद्वान लोग भी जवाब नहीं दे पाए तो दूसरा कोई विद्वान देगा, भाई ऐसे थोड़ी कोई मनुष्य तो पूरा ज्ञानी थोड़ी, पूरा ज्ञानी तो परमात्मा है, तो हो सकता है मनुष्य से कभी कोई बात हो जाती है, उसके लिए मैं नू थोड़ी कह रहा है देखो आपने जवाब दिया जिसमें उसको हम जो है बेइज्जती इज्जत बेइज्जती मान लेते, देखो मेरा जवाब नहीं दिया गया, मेरा जवाब नहीं दिया, मैं कभी ऐसा करता ही नहीं हूँ ना, मैं इस बात को मानता हूँ, अरे मैं खुद सीखता हूँ भैया, अच्छी चीज मुझे मिलती है मैं सीखता हूँ करता हूँ, तो ऐसी सबको करना चाहिए, क्या बुराई है इसमें। अभी आप देखेंगे, आपने देखेंगे, मैं आपको अभी और भेज देता हूँ, वीडियो भी बनाया है, ये तुम्हारा ओवैसी ब्रदर जो है अभी जो अकबर ओवैसी कह रहा है कि मेरे को जो है मेरे एक हादसा हुआ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हॉस्पिटल में और बिल्कुल वाइट कपड़े पहन रखे थे, उनके साथ साथ में जो है ख्वाजा जी थे और उनके साथ में दूसरे बताए गरीब नवाज वाले, और उन्होंने मोहम्मद साहब के पैर पकड़ रखे और उन्होंने मेरे कहा अकबर तुझे कुछ नहीं होगा, ये साला पाखंड नहीं तो और क्या है भैया, मानते फिर तो मैं जो अपना नहीं हो, मैं निकोड़ बात कर रहा हूँ, उसने बोला है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है। ये पाखंडी तो क्या है, लोगों को भोले भाले लोगों को चूतिया बनाना और वो करना कि मोहम्मद साहब तेरे लिए आए स्पेशल, यानी कि तू जो उससे जब से मोहम्मद साहब दुनिया को छोड़ के गए हैं तेरे से अच्छा कोई आदमी नहीं है मुसलमानों में, है मोहम्मद साहब ने जो है अपने जो है दामाद को अली साहब को और जो हसन हुसैन को जो उनके नवासे उनको नहीं बचाया मोहम्मद साहब ने, माता आयशा को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तेरे को बचाने के लिए स्पेशल तेरे से मिलने आए हॉस्पिटल में और वो भी काफिर हो गए हॉस्पिटल में, क्या है ये दर्शनों की बातें है नहीं है, क्या कहेंगे उनको डॉक्टर साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं डॉक्टर हैं, बताइए। नहीं आप सुनेंगे तो हम बताएंगे ना आपको। जी मैं चुप हूँ, सुनाइए। देखिए वो चीज क्लियर तक हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है, वो क्या फील किया उसने वो डिपेंड करता है। बंधुओं मैंने बोला आप लोगों को, देखिए वो ये क्या कह रहा है, ये वो असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला ये कह रहा है कि वो गलत बोला, ये नहीं कह सकता भाई, बोलने वाला गलत हो सकता है, बोलने वालों की गलती हो सकती है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो सच कहाँ है, वो जो बोल रहा है उसको सच माने बैठे हैं ये, उसको गलत नहीं बोल सकते कि हुजूर का आना, हज़रत मोहम्मद साहब का आना दुनिया में क्यों और कैसा संभव हो रहा है, इस पर चिंतन करने के लिए इन लोगों के पास ना भेजा है, क्योंकि भेजा तो गिर भी रख रखा है, भेजा होगा कहाँ से। तभी मैं पहले ही बोला कि कहीं पर किसी को आने के लिए शरीरधारी होना पड़ेगा, जो आत्मा हम लोगों से बिछड़ चुकी है, जो आत्मा आज नहीं है हमारे सामने, उसी आत्मा को आने की बात हम करेंगे तो उस आत्मा को पहले शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर धारण किए बगैर किसी आत्मा का किसी के सामने आना संभव नहीं होगा। लेकिन इसे वो गलत नहीं कह पा रहा है, वो आदमी गलत, आदमी तो गलत हो सकता है, कोई भी आदमी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन का अब्बा हो, गलत हो सकता है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो सही कहाँ है, वो सही इस्लाम वाला उसको गलत नहीं कर सकते, उसको वो सच हो सके, ये हो भी सकता है नहीं भी होता, वो हो सकता है, कैसे हो सकता है, जो सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं तो भी हो सकता है ये कहेंगे, यही इंशाल्लाह इसी का ही नाम है, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, अरे अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, अल्लाह दूसरा अल्लाह आज तक नहीं बना पाया, अल्लाह जो चाहेगा हो जाएगा, शैतान को सीधा नहीं करा पाया, आदम को मना करने के बाद भी उस फल खाने से अल्लाह रोक नहीं पाए, और ऐसी बहुत सी बातें हैं, कुरान पूरा भरा पड़ा है। बद्दुआ आइए देखिए और सुनिए ये क्या बोल रहा है।
और दूसरी चीज कि ये चीजें बहुत वो चाहे हिंदुइज्म के मानने वाले हों चाहे मुसलमान के मानने वाले, बहुत लोगों ने अक्सर दावा करते हैं कि हमने ये सीख लिया, उन्होंने आपको बचाया, वो हमको जो है दिखाई दी, मतलब बहुत लोग करते हैं, वो हमको काली माई दिखाई दी, वो खड़ा ईश्वर दिखाई दिए, हनुमान जी दिखाई दिए, या मुसलमान में भी बहुत लोग दावा करते हैं कि हमको फलाने बाबा। यही बात मैंने उजागर किया कि अगर कोई कहता है कि हनुमान जी दिखाई दिए, वो झूठ है। हम इस झूठ को झूठ कहने की मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तुम लोगों में वो हिम्मत नहीं है कि झूठ को झूठ बोल सको। झूठ को तुम सच मानते हो, सच बोलते हो, बस अफसोस यही है, यही मानवता पर कूठा रगात हो रहा है। हमने सच्चाई को उजागर करने के लिए मानव समाज के सामने आह्वान किया, आओ सामने आ करके हम बैठें और पड़ताल करें कि कोई भी हनुमान जी को कह रहा है वो सच होना संभव है क्या। तो हनुमान जी आया बोलेगा कोई, ये हमारे आए और वो हनुमान जी आए या राम आए, कृष्ण आए, आदि आदि कोई भी आए, किसी की बात करे अगर, तो वो असत है। तो हमारे पास रहेगा ये असत है, और आपके पास सत कैसे हो जाएगा? मोहम्मद का आना सत क्यों और कैसे हो जाएगा? हम तो अपने असत को असत बोल रहे हैं, सिरा ठोक करके बोल रहे हैं, औरों से भी बोलने के लिए कह रहे हैं, तुम बोल करके दिखाओ ना कि मोहम्मद नहीं आए, मोहम्मद का आना संभव नहीं है। मोहम्मद का कार्टून बनाया, कार्टून जबकि मोहम्मद का था भी नहीं, ओरिजिनल कार्टून मिलेगा कहाँ से, ओरिजिनल फ़ोटो उसका मिलेगा कहाँ से, ओरिजिनल फ़ोटो तो दुनिया में ही नहीं है किसी के पास। किसी ने एक नकली कार्टून बनाया, उसके ऊपर आफत मचाए पड़े हो पूरे दुनिया में, और सत को सत कहने की हिम्मत ही नहीं है। अब मोहम्मद का आना वो कह रहा है कि वो कसम खा करके कह रहा है कि मैं मस्जिद में खड़ा होकर के कसम खा करके बोल रहा हूँ कि रसूलुल्लाह आए, जबकि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बोला, रसूलुल्लाह आए, जैसे उसका घर का खरीदा हुआ है कोई, तो वो आना क्यों और कैसे संभव होगा? ये सत और असत की पड़ताल करो ना इसी बात पर। जब हमारे पास असत है हम उसको असत बोल रहे हैं, तुम्हारे पास जो असत है तुम उसको सच क्यों बोल रहे हो? बस यही पर तो बात है। धर्मवीर जी इसीलिए बोला रहे, मैं भी इसीलिए बोला रहा हूँ। आओ दिखाई दिए या उन्होंने बताया या फला पैगंबर आए, उन्होंने हमको ये रास्ता दिया, ये ख्वाब में दिखाया, सामने खड़े थे, वही अलग अलग दावे हैं, ठीक है। ये सभी धर्मों में, ये कोई पर्टिकुलर धर्म में नहीं है, तो ये हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। आप ये 100% नहीं कह सकते ये गलत ही या सही है, ये वो डिस्कशन है कि वो बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये हम 100% तो नहीं कह सकते ना कि वो सही ही बोल रहा है या गलत ही बोल रहा है, ये उसका ईमान जाने, ये उस पर हम छोड़ते हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज ऐसा नहीं होता है कि जब हम ये मान लेते हैं कि आत्मा या ईश्वर या मान के चलो जो है क्या कहते हैं रूह अगर है तो रूह आ सकती है, ऐसा नहीं है। रूह मरने के बाद इंसान के शरीर से निकलती है या आत्मा निकलती है, रूह और आत्मा दोनों उसमें कॉन्सेप्ट में है, तो वो जो है क्यों नहीं आ सकती है, आने का है। लेकिन वो किसके सामने आती है वो डिपेंड करता है कि वो आदमी कैसा था। कभी कभी बुरे आदमी भी सामने आ जाती है, उसको एक जो है मैसेज देने के लिए, गलत वो करने इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझाने के लिए। ये कह रहा है कि उस रूह का आना संभव है उसको समझाने के लिए। अरे रूह का आना संभव क्यों और कैसे है, यही तो पूछा जा रहा है रे भाई, कि रूह आने के लिए, रूह को आने के लिए शरीर का होना ज़रूरी है, शरीर शक्ल सूरत का होना ज़रूरी है। शरीर के धारण किए बगैर रूह उसमें आना संभव नहीं है। इस सच्चाई को क्यों नहीं मानते हो, और इसमें मानने की तुम्हारी मादा नहीं है, और ना तुम इस सच्चाई को सच कह सकते हो, क्योंकि सच कहने की परंपरा तो तुम्हारे यहाँ है नहीं। तुम झूठ को ही सच बोलते हो और आँख बंद करके उसको मानते हो, उसको पत्थर की लकीर माने बैठे, यही तो गलती हो रही है। गलती ही नहीं, मानवता पर कूठा लगात हो रहा है, यही मानवता पर कूठा लगात। तो आज सुबह में तो मैं पोस्ट लिखा कि यही मजहबी दुकानदारों ने मजहब चला करके मानव समाज को तबाह और बर्बाद किया है, कि इन्हीं मजहबी दुकानदारों ने, क्या आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं सुना, नहीं पढ़ा कि कई वर्ष पहले जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, हजरत बाल दरगाह से बाल गायब हो गया। अब आज तक उसकी सुरक्षा के लिए सरकार न मालूम कितना पैसा खर्चा कर रही है, पर सरकार उन बाल वालों से ये नहीं पूछा कि भाई वो बाल कहाँ का है, कैसे है, किस तरीके से है, यहाँ कैसे है। उसकी सुरक्षा के लिए हम खर्च कर रहे हैं, और वो भारत की जनता की पैसा है,
और बाल हजरत बाल है, हजरत के बाल हैं, और शरीर के किस हिस्सा के बाल हैं ना बाल कहने वाले बोल रहे हैं और ना उसकी सुरक्षा करने वाले पूछ रहे हैं कि ये बाल शरीर का किस हिस्सा का है, आज तक किसी को पता ही नहीं है। पर इसी का ही नाम जुनून है, उसी जुनून के मातहत ये मजहबी दुकानदार लोगों के गर्दन काटने में संकोच नहीं कर रहे हैं। यही मजहबी जुनून मजहब वालों ने भर रखा है। आज यहाँ प्रमाण देख रहे हैं आप लोग, आज संपूर्ण विश्व के आंगन में क्या हो रहा है, जो भयावह स्थिति इन्हीं लोगों के द्वारा तैयार किया गया है। अल्लाह अकबर का नारा लगा। कल मैं सुन रहा था एक टीवी में, एक वकील है, कोई असगर है, वो भी मूर्ख जाहिल, और उसको कोई जवाब भी नहीं दे पा रहा है और वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। इन बातों का जवाब उसको दो टुक में देना चाहिए था कि भाई तू सच को झूठ क्यों मान रहा है। जब ओरिजिनल चित्र किसी का नहीं है तो उसका जो कार्टून बनाया वो कार्टून सही है या गलत है, एक की बोल नहीं बोल पाया और ना उससे बुलवा सकते। तो इसी तरीके से ये मजहबी दुकानदारों की ही दुकानदारी है। महज मानव समाज में जो अस्थिरता इन लोगों ने, इन मजहबी दुकानदारों ने पैदा किया हुआ है, इसीलिए मानव समाज को इन मजहबी दुकानों से अलग होना पड़ेगा, तभी मानव समाज का उत्थान होना संभव है। देखिए ये और क्या क्या झूठ बोल रहा है, मैं एक चीज़ और सुना रहा हूँ, वो क्या बोल रहा है उसी डॉक्टर असलम से सुनिए। उसके सामने गलत आदमी या गुनहगार आदमी सामने भी आ जाती है, वो डिपेंड करता है कि वो आत्मा या वो रूह चाहती क्या है। दूसरी चीज, जहां तक नबी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचाने का तरीका है कि हजरत अली को नहीं बचा पाए या उनको नहीं बचाया, वो बचाने का मतलब नहीं होता। वो आए थे इंसान को एक मैसेज देने के लिए कि अल्लाह हमेशा आपको बचाने नहीं आएगा, ये सृष्टि का सिस्टम ऐसे चलता रहेगा और आपको ही जो है गलत के खिलाफ आपको ही खड़े होना है। कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, किसी के ऊपर ज्यादती कर रहा है, तो आपको ही लड़ना है, आपको ही फेस करना है। वो आखिरी नबी थे, वो दुनिया से जाएंगे तो एक मैसेज देके जाएंगे इंसानों को कि आपको ही आगे, आपको भी इस समाज से जो नियम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो आज बना है ना हर कंट्री का, पहले 200 साल पहले किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उससे पहले ये जो सामाजिक जो नियम थे उसी हिसाब से समाज चलता था। वो एक रास्ता वे ऑफ लाइफ देके गए हैं कि आपको कैसे रहना है। वो चाहते तो नबी भी बच जाते, मोहम्मद भी नहीं मारे जाते, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जब वो अपने आप को बचा लेते तो मैसेज क्या देते इंसानों को। इसीलिए वो इंसान के रूप में आए और इंसान के रूप में उन्होंने फाइट किया और जो है अपना जो है समाज में रहे, उन्होंने बहुत चीजें झेली, बहुत चीजें कुछ तरीका दिया और बहुत संघर्ष। इसमें इन्होंने जो बात कही उसमें भी समझने का है, ये क्या है देखिएगा, इन्होंने पैगंबर के लिए बात कही, इन्होंने अल्लाह ने पैगंबर भेजा, वो संदेशता है, संदेश वाहक है, संदेश लेकर के आया, तो पैगंबर के माने संदेश वाहक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लेकिन पैगाम किसका, अल्लाह का, और अल्लाह भेज रहे हैं संदेश वाहक पैगाम कहाँ, जहाँ अल्लाह नहीं पहुँच पाए। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान का अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है, इस्लाम का अल्लाह सर्वव्यापक नहीं है। अगर वो सर्वव्यापक होते तो फिर अल्लाह को अपना पैगंबर भेज करके संदेश देना नहीं पड़ता, संदेश वाहक भेजना नहीं पड़ता। ये सब जगह इसी तरीके से गड़बड़ झाला है और उसी गड़बड़ झाला को सही करने के लिए ही हम जनमानस को जानकारी देना चाहते हैं कि सामने बैठ करके हम जाने सुने समझे परखें, फिर उसके बाद सच्चाई क्या है उसको जीवन में धारण करें, तभी हम मानव कहलाने का अधिकारी बनेंगे। पर इसके लिए कोई तैयारी होना नहीं चाह रहे हैं, यही तो परेशानी है। वो संघर्ष वो दे सकते थे, इंसान को एक मैसेज देना चाहते कि आपको करना पड़ेगा, उनके लिए अल्लाह तो चाहता है मिनट में सब कुछ कर देता, लेकिन अल्लाह ने उनके द्वारा इंसानों को मैसेज दिया कि हर वक्त ऊपर से नहीं आएगा हर चीज, कि वो अल्लाह तुरंत कर देंगे, वो जो गलत करे वो ऊपर उठ जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो सिस्टम जो समाज से चलता है वो इस तरह नहीं चलेगा, और अगर इस तरह अल्लाह कर भी नहीं तो कोई मुसलमान हिंदू मतलब इस सिस्टम में नहीं रहेगा। अल्लाह ने कहा हमको तब मानो महसूस करके मानो, दुनिया मैंने बनाई, वो एक आयत है कुरान में वो 26वें पारे में दुकान, उसमें आया है कि आप। इन्होंने सूरह रहमान की चर्चा की और उन्होंने बताया कि उसमें आया है फबी अय आला ये रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबा, कि हमारी किन किन नियमतों को झुटलाते हो। आइए मैं पहले उस सूरह रहमान की शुरुआत की एक दो बातें आप लोगों को सुना देता हूँ, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अल्लाह ज्ञानमान है या किसी अज्ञानी को ही यहाँ अल्लाह कहा गया है।
यहाँ उसी सूरह रहमान के अंदर में आयत नंबर 6 में बोला गया है कि वन नजम व शजर यसजुदान, शब्द पर फिर ध्यान दीजिएगा कि वन नजम व शजर यसजुदान, और बूटियाँ बेलें और दरख्त उसी की सजदा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ संपूर्ण इस्लाम जगत के आलिमों, इस्लाम जगत के आलिमों से कि बेल बूटियों में दरख्तों में इबादत करने की सलाहियत है क्या? एक मानव को छोड़कर के किसी को इबादत करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ज्ञानी है या अज्ञानी है इसी एक आयत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। सूरह रहमान जो सूरह की बात उन्होंने करी कि मेरी किन किन बातों को झुटलाते हो, अरे मैं उन बातों को झुटलाता हूँ जहाँ पर विज्ञान विरुद्ध अल्लाह ने बोला है। एक कुंवारी लड़की से संतान उत्पत्ति करना, यह झूठ है या सच है? मरियम कैसे संतान दे दिए? वल्लति आसनत फरजहा फनफखना फिहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनायतन लिलआलमीन, फूंक मार करके संतान बनाया, ये सच है? किस को झुटलाते हो? ये मैं झुटला रहा हूँ, संपूर्ण कुरान भरा पड़ा है, मैं झुटलाने लगूंगा तो तुम्हारे ठिकाना नहीं रहेंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि केवल इतना ही नहीं, वहाँ जो यूसुफ का किस्सा है उस किस्सा में देखो, बनी इसराइल का किस्सा है उसमें देखो, फिरौन का किस्सा, अल्लाह ताला पानी में डूबो रहे हैं, गारत कर रहे हैं लोगों को, और छड़ी मूसा की छड़ी पत्थर पर मार करके 12 चश्मा तैयार कर रहे हैं। क्या ये सच है? किस किस को झुटलाते हो? केवल इतना ही, समुंदर में मार करके रास्ता बना रहे हैं, सांप बना रहे हैं छड़ी से। एक दो झूठ हो तो मैं बोल करके बैठ जाओ, क्या कहते हो तुम? आओ सामने आओ, इसलिए मैं सामने बुला रहा हूँ। जो फबे आई अलाय रबी कुमार तो का ज़िबान तुम कह रहे हो, किस किस को झुटलाओ? आओ सच बताने के लिए, प्रमाण लेकर के सामने आओ, कहाँ सच है, कैसा सच है इसको दिखाओ। मैं उसी सूरह रहमान के एक ही आयत केवल बताया हूँ कि वह नजम व शजर यसजुदान, अल्लाह खुद कह रहे कि अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان, और बूटियाँ बेलें और दरख्त क्या कर रहे हैं? अल्लाह का सीधा कर रहे हैं। अरे ओ डॉक्टर, तू डॉक्टर है ना भाई? क्या डॉक्टरी पढ़ा है तू? जानता है मेडिकल साइंस को? है कोई विज्ञान इस तरीके से दुनिया में कि हाँ ये पेड़ पौधे भी अल्लाह की सजदा करते हैं? अरे कुरान तो कह रहा है कि मेढक भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान कह रहा है। ईसा के किस्सा को पढ़ोगे पूरा तो पता लगेगा, ईसा को अल्लाह ने आसमान से खाना भेजा। अरे मूर्ख लोगों, कम से कम दिमागी इलाज करा लो अपना। इसलिए आओ सामने बुला रहा हूँ, सच कैसा है उसको दिखाओ। मैं तो झूठ प्रमाण दे रहा हूँ, कुरान से ही झूठ का प्रमाण दे रहा हूँ, झूठ होने का प्रमाण दे रहा हूँ। आसमान से दस्तरखान भेजना संभव है? आसमान से दस्तरखान भेजा जाएगा? यह अल्लाह का काम है। किसको झुटलाऊँ, किसको झुटलाऊँ? वहाँ 31 बार कहा गया यही बात। यो वो भी भाँज रहा था ये डॉक्टर, वो उसमें मौलाना जर्जिश, कि कुरान में 31 बार आया है फब आई आला रब कुमार तो का ज़माने से, वेद में भी 31, जबकि मैं उसको चुनौती दिया। मैं तो उस समय दिल्ली से कलकत्ता जा कर के ही मल्लिक बाजार आ रही है समाज में चुनौती दिया, वहाँ हमारे यहाँ फोर्ट विलियम में हमारे एक मित्र थे, वहाँ सैनिकों में गुरु थे वो, और उन्होंने कहा कि पंडित जी इसका जवाब दो, संजीव नाम है उसका, मैं जवाब देने के लिए आया। उसका मैं जवाब दिया इसी मौलाना जर्जिश को, फब आई आला रबी कुमार तो का जबान 31 बार कुरान में कहा गया है, किस किस को झुटलाते हो? जिसको बोलोगे मैं उसको झुटलाऊँ, उसी सूरह रहमान से ही मैंने प्रमाण दिया। वन नजम व शजर यसजुदान, ये जो शब्द आया है, ये पेड़ पौधे भी अल्लाह की इबादत करते हैं। वो क्यों और कैसे, उसको ज़रा प्रमाण दे, प्रमाणित करके बता कि हाँ पेड़ पौधों में इबादत करने की ताकत, मादा
परमपिता परमात्मा ने दिया है या नहीं। अल्लाह तो जानता भी नहीं होगा कि इबादत क्या है, किसकी इबादत होती है, कैसी इबादत होती है, कौन इबादत कर सकता है, या अल्लाह को नहीं मालूम। आओ सामने आओ, कौन आ रहा है, सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो तो सच्चाई का पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि बोलने के लिए बहुत है, नचा के रखूँगा मैं, सामने कोई आना इसीलिए नहीं चाहता, इन सब लोगों को पता लग गया है। सुदर्शन न्यूज चैनल में उस दिन बोला ना कि सुरेश जी ने ना मालूम कितने मौलानाओं को दावत दिया, कोई महेंद्र पाल का नाम सुन करके महेंद्र पाल के सामने टकराना नहीं चाहता है। ये तो सब लफाजी कर रहे हैं, क्योंकि न एंकर वालों को बोलने की सलीका, पूछने का तरीका, और न उन पैनलिस्टों को उसको चुप करने कराने का तरीका है। ये सब बकवास किए जा रहे हैं। मेरे सामने आने पर सबकी बोलती बंद हो जाएगी, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय चैनल में मैं आज तक आया नहीं, और ना ये लोग बुलाते, बुलाने का प्रयास किया था लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं गया। जी न्यूज़ वालों ने संपर्क किया था तो मैं उन दिन ट्रेन में था, मैंने कहा कि मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, मैं ट्रेन में हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये वीडियो अगर अच्छी लगे, अरे हिंदुओं तुम तो अकल के दुश्मन हो, मैं सुबह भी बोला तुमको तो शेयर करना भी नहीं आता, सब्सक्राइब करना तो दूर की बात है, तुमको शेयर करना भी नहीं आता, लाइक करना भी नहीं आता, तुम लोगों को क्या कहूँ। और खैर मैं अधिक ना बढ़ता हुआ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। धर्मवीर जी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से पीसा है, समझ लीजिए पीसा है, लेकिन ये लोग हैं बेशर्म, जवाब है नहीं, लेकिन बेशर्मी इतनी है इन लोगों को, ये हैं बेशर्म इतने कि निर्लज्ज हैं, इसलिए सामने बोलते हैं, बोलते रहते हैं। तो बोलने से बात थोड़ी होगी, सत और असत का निर्णय लेना होगा, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सत और असत का निर्णय लेने के लिए सामने आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, दुनिया वालों के सामने बात रखनी होगी, तब निर्णायक मंडल निर्णय देंगे कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, सच किनका है झूठ किनका है। इसीलिए आओ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, सामने आओ जिसको आना।